मुकामी नुमाइंदगी के लिए आपके, जैसा कि मुझे बताया गया है कि आपके शहर में बहुत ही मकबूल और बहुत ही मारूफ शायर मोहतरम जावेद खंजर साहब, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए। लेकिन जावेद साहब, जावेद खंजर साहब, आपसे एक इल्तमास ये है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। क्या बात है कि दिन को छोड़ दिया, चला मैं रात लेकर, दिन को छोड़ दिया मैं चला रात लेकर, कि तूफा आग हवाएं कुछ भी बिगाड़ ना सकी, क्योंकि चल रहा था मैं नबी को अली को साथ लेकर। कि वो चार थे, मैं अकेला था, वो चार थे मैं अकेला था, खिलते हुए एक कली को देखा, खिलते हुए देखा मैंने एक कली को, अरे मुझको मार नहीं सकते, बुलाऊं क्या अली को। मुझको मार नहीं सकते, बुलाऊं क्या अली को, कि जिंदगी बड़ी सुकून चैन बैठी है। ऐलान कर दूं, यहाँ पे शायराना मेरी बहन बैठी है, मेरे बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, मेरी तीसरी इंटरव्यू है, पहला मुशायरा नहीं है, मैं कवि सम्मेलन में बहुत चलता हूँ, हंसना हसाना हमाम शायरों का काम रहता है। कि राज राज तेरे भेद सब खोल दूंगा, राज तेरे भेद तेरे सब खोल दूंगा, ये इतनी बड़ी महफिल में आज सच बोल दूंगा। कि मैं शासन से बहुत दूर रहता हूं, दो दोस्त थे, एक ने कहा भैया अमेरिका जाकर आ गए क्या, भैया अमेरिका जाकर आ गए क्या, बहुत अपडेट लग रहे हो, अच्छे दिन आ गए क्या, कैसा है के अपने जहन में एक बात लेकर निकला था, जमाना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा, कि घर से मां की दुआएं साथ लेकर निकला था। दो दिन की है ऐ इंसान, दो दिन की है तेरी जिंदगी, एक पल की जवानी होगी, दूसरों के औरतों पे नजर रखने वाले, ऐसा वक्त आएगा कि तेरी बेटी भी एक दिन शानी होगी। कि मैं तीर तलवार से नहीं डरता, क्यों, कि कलम चलाता हूं, कि प्यार चलता है एक सलम चलाता हूं, घर का गरीब हूं, तीर तलवार नहीं यारों, मैं कलम चलाता हूं। जनाब जावेद साहब, दूसरा दौर भी होगा मुशायरे का इंशाल्लाह। जी जी, दूसरे दौर में सती ले रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम।